हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। आज हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे। पहले हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में मेजर है, टाइम जो है वो आवर में है, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। यदि डिस्टेंस जो है वो मेजर रहेगा मीटर में, टाइम रहेगा, यदि टाइम सेकेंड में रहा तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से तीन फॉर्मूला अभी इससे ही निकाल लेंगे। यदि क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए दिया रहेगा तो भी हम इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में टाइम निकालने के लिए बोला तो हम इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। चलो देखते हैं कैसे। देखो जैसे कि क्या है, इधर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। यदि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला डिस्टेंस, तो क्या करोगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, ये टाइम को इधर ले आओ तो स्पीड इनटू टाइम है ना। कितना आसान, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में आपको टाइम निकालने के लिए बोला तो एक काम करो, टाइम को इधर ले आओ तो क्या होगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड को इधर ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। जो जिस तरीके से क्वेश्चन में रहेगा कि आपको यदि डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इनटू टाइम। यदि आपको टाइम निकालना होगा क्वेश्चन में तो क्या करो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, है ना। कितना आसान। अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यदि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। यदि क्वेश्चन में स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको कन्वर्ट करने बोला है मीटर पर सेकेंड में, तो आपको क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। चलो देख लेते हैं कैसे। देखो किलोमीटर पर आवर हुआ, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, लिख लेते हैं 1000 मीटर। 1 आवर में कितना सेकेंड होगा? देखो 60 × 60, सही है। 60 × 60 क्या हो गया? ये सेकेंड में हो गया। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो ये क्या हुआ? 5/18 और ये मीटर पर सेकेंड है ना। कितना आसान। देखो किलोमीटर पर आवर, यदि किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन में दिया है और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो है ना कितना आसान। ये देखो, यदि क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है और उसको कन्वर्ट करने बोला है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यदि क्वेश्चन में 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसको? मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है आपको? 36 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो क्या होगा? 18 × 2 = 36, तो ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? 5 × 2 = 10, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को यदि आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम दूसरा कन्वर्जन देख लेते हैं। यदि स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। यदि क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में स्पीड दिया हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 18/5। चलो देख लेते हैं, ये मिटा लेते हैं एग्जांपल। चलो देखते हैं, ये देखो ये मीटर पर सेकेंड को इधर ही रहने दो, ये 18, ये 5/18 है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा?
ये 18 इधर आया जाएगा और नीचे 5 किलोमीटर पर आवर। देखो हो गया ना 18/5 किलोमीटर पर आवर। यदि क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने क्या बताया था कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू ये देखो 18/5, तो ये 5 × 2 = 10, 36। ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, है ना। कितना आसान, देखो मीटर पर सेकेंड को यदि आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10, 18 × 2 = 36 किलोमीटर पर आवर। इधर हमने फॉर्मूला देख लिया, इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राकेश क्रॉसेस अ स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। चलो निकाल लेते हैं डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, गिवन लिख लो पहले, गिवन डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, डिस्टेंस इक्वल्स टू 600 मीटर टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट, टाइम इक्वल्स टू 5 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लो सेकेंड में, 5 × 60 इक्वल्स टू 300 सेकेंड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, स्पीड अपने को निकालना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, टाइम कितना है 300 सेकेंड, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 3 × 2 = 6, 2 मीटर पर सेकेंड। बट इधर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो हमें भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। चलो कर लेते हैं, 2 × 18/5 क्या हो जाएगा, 18 × 2 = 36 अपॉन 5। चलो डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे रफ कर लेते हैं, 36 × 7 = 35, दिस इज 5 0 2। हाँ तो ये क्या हुआ 7.2, इधर लिख लेते हैं, ये क्या हुआ 7.2, क्या है ये 7.2, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये क्या स्पीड, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, स्पीड क्या हो गया 7.2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल्स टू 7.2 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर पासेस अ पोल ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है, तो है ना कितना आसान, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या है, स्पीड कितना है, स्पीड स्पीड इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लो। तो मैंने इधर बताया था कि यदि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो स्पीड को, स्पीड क्या हो जाएगा फिर, स्पीड इक्वल्स टू 54 × 5/18, 3 × 5 = 15, 15 क्या हुआ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो
तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे हम लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक लेंथ होता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में, तो हम डिस्टेंस की जगह पे लेंथ ऑफ ट्रेन लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 15, लेंथ ऑफ ट्रेन वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड। तो क्या करो, लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू ये 20 इधर आ जाएगा, तो 15 into 20 क्या होता है, 15 into 2 30 और ये 0, 300 meter। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, 300 meter। लेंथ ऑफ ट्रेन 300 meter, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अ बस कवर अ डिस्टेंस 400 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी आवर विल द बस कवर दिस डिस्टेंस। चलो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर है कि नहीं, और क्या स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, सही है। इन हाउ मेनी आवर इसका मतलब क्या है कि हमें टाइम पूछा है कि इन हाउ मेनी आवर कितना टाइम लगा, तो अपने को टाइम निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्टली आपने सही बोला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा 40, और डिस्टेंस कितना है 400, अपने को टाइम वी हैव टू फाइंड आउट, तो टाइम क्या होगा, ये 400 ये टाइम इधर आ गया, अब 40 को इधर ले आओ, तो 400 by 40, ये जीरो कैंसिल, 4 10 10 10 है, तो ये क्या 10, क्या टाइम इसका यूनिट क्या होगा 10 आर, क्योंकि देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो टाइम क्या होगा अपना आवर में होगा, तो टाइम जो होगा 10 आवर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है, टाइम इक्वल्स टू 10 आवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, अ ट्रेन ट्रेवल 350 किलोमीटर इन 4 आवर एंड अनदर 650 किलोमीटर इन 6 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, एवरेज स्पीड निकालना है। चलो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन ट्रेन वन ले लेते हैं, ट्रेन वन का डिस्टेंस कितना है, ट्रेन वन का डिस्टेंस कितना है 350 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर। ट्रेन टू का डिस्टेंस कितना है 650 किलोमीटर, टाइम कितना है 6 आवर। अब क्या एवरेज स्पीड, देखो मैंने बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलो अब ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बता दो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला 350 किलोमीटर
प्लस 650 किलोमीटर, 350 प्लस 650 अपॉन टोटल टाइम ले लो, पहला का ट्रेन का 4 आवर, दूसरा ट्रेन का 6 आवर, 4 प्लस 6। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 0 5 5 10 के सुनो बाकी बच गए 3 4 4 ऊपर 1000 और नीचे 6 प्लस 4 10, ये 0 से 0 कैंसिल, 100। ये क्या, इसका यूनिट क्या होगा, स्पीड हमने निकाला तो यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ, एवरेज स्पीड, ये हुआ एवरेज स्पीड। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, इफ अ पर्सन और व्हीकल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड क्या होगा उस केस में, 2xy अपॉन x प्लस y, उसका यूनिट क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सपोज ये आपका घर है, ठीक है, मान लो ये आपका घर है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका घर है, आप घर से शॉप पे गए, ठीक है, कुछ सामान लाने के लिए, डिस्टेंस कितना है, इक्वल डिस्टेंस है, घर से आप शॉप पे गए कुछ सामान लाने के लिए, तो मान लो आपका ये स्पीड कितना होगा, स्पीड मान लो जाते वक्त स्पीड मान लो एक्स, मान लो कितना 10 किलोमीटर पर आवर, और शॉप से वापस घर तो आओगे ना या शॉप पे रह जाओगे, शॉप से जब वापस आप घर लौट कर आ रहे थे तो डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, शॉप से जब आप घर आओगे तो मान लो आप का स्पीड जो रहेगा वो 5 किलोमीटर पर आवर रहा रिटर्निंग में, और जाने में कितना रहा, x किलोमीटर पर आवर, ये जाने का है, और जब आप शॉप से घर आ रहे हो तो कितना स्पीड हो रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, और ये इक्वल डिस्टेंस है, तो इस केस में आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, देखो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड देखो फॉर्मूला क्या था, 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है, तो 2x कितना है 10 इंटू y अपॉन x प्लस y, 10 प्लस y, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 5, ये 10 प्लस 5 15, 5 के टेबल में 5 3 जा 15, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 3, क्या हो जाएगा इसका यूनिट, किलोमीटर पर आवर। आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, 20/3 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसके बेस एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, देखो अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 70 किलोमीटर पर आवर, लिख लेते हैं गिवन 70 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे वो वापस आ गया, मतलब कि एक आदमी है वो इधर से इधर गया, कितना 70 किलोमीटर पर आवर में इधर तक आया, वापस इधर से इधर आ गया, लिखा हुआ है ना सेम पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल ट्रेवल किया है, डिस्टेंस इक्वल है इस केस में, तो एक्स क्या है 70 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट एट 30 किलोमीटर पर आवर, वाई ले लो 30 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड, अब निकाल लो एवरेज स्पीड, फॉर्मूला लगा लो फटाफट आ जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, ये देखो इधर फॉर्मूला मैंने लिखा है 2xy अपॉन x प्लस y, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 2x कितना है ये रहा 70 इंटू y कितना है 30 अपॉन x प्लस y, x क्या है 70 प्लस 30, तो ये क्या होगा ऊपर 2 इंटू 70 इंटू 30 और ये नीचे 7 × 10 100, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, कितना होगा
42, क्या होगा 42 यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यही क्या है एवरेज स्पीड है, ये है फाइनल आंसर। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, हाँ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर। इन दिस क्लास वी हैव सीन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड फॉर्मूला एंड देयर न्यूमेरिकल्स। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू रिलेटिव स्पीड। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।